इंडिया चाइना रिलेशंस पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा खराब हुए थे 15 जून 2020 को, जब गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था। और ये लड़ाई 11 डिसएंगेजमेंट डिप्लोमेटिक टॉक्स के बाद जाकर थमी थी। लेकिन ये अंत नहीं था, क्योंकि हमें ये पता था कि ये चीजें आगे भी जाकर बढ़ सकती हैं। और इसीलिए इसके ठीक बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये डिसाइड किया कि उन्हें एक इन्फेंट्री व्हीकल चाहिए। क्योंकि क्या था कि ये जो चाइनीज सोल्जर थे ना, ये स्ट्रॉन्ग इन्फेंट्री कैरियर्स में बैठकर आए थे। वहीं इंडियन आर्मी को इस मामले में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को डेवलप किया और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को एक ऐसा व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कि आर्मी के पर्सनल्स को दुनिया के सबसे मुश्किल टेरेन्स पर ले जा सके व्हाइल कीपिंग देम सेफ। एंड दिस गेव बर्थ टू व्हाट निकनेम्ड एज फायर एंड फ्यूरी, जो कि टाटा का QRFV है, यानी कि क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल। और ये गाड़ी कोई मैमथ से कम नहीं है। इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये फोटो टाटा के QRFV की है जो कि चाइना के PLA डोंगफेंग मेंगशी के सामने खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी चाइना की गाड़ी से कितनी ज्यादा बड़ी दिख रही है, और ये चाइना को एक करारे जवाब से कम नहीं लगती है। अब ये तो एक बहुत जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ QRFV निकली थी। एक्चुअली IPMV यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी और मोनोकॉक हल मल्टी रोल माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल भी इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकले थे, जो कि भारत फोर्स द्वारा डेवलप करे गए थे। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ टाटा की QRFV के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम सबकी बात करने लग जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। और इसीलिए उन बाकी गाड़ियों की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ टाटा की एक आर्मी व्हीकल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमें टाटा के और आर्मी के बेहद पुराने संबंधों के बारे में भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कई ऐसे फैक्ट्स छुपे हैं जो मुझे भी नहीं पता थे इस वीडियो की रिसर्च को करने से पहले। सारी ही बातें इस वीडियो के अंदर होंगी, लेकिन उससे पहले प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही और वीडियोस बनाने की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी और टाटा के रिलेशन 1940 से ही चालू हो गए थे, जब वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ब्रिटिश आर्मी के अंडर लड़ रही इंडियन आर्मी को वर्ल्ड वॉर टू के उनके एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए टाटा द्वारा आर्मर्ड स्टील सप्लाई करी गई। लेकिन टाटा सिर्फ स्टील तक ही नहीं रुके थे, और 1940 में आई थी टाटा द्वारा बनाई गई पहली आर्मर्ड गाड़ी। दरअसल 1940s में हमारे पास इतने सोर्सेज और स्किल्स नहीं थे कि हम एक प्रॉपर टैंक बना सके, इसीलिए हमने आर्मर्ड कार बनाने का फैसला किया। इसमें जो आर्मर्ड स्टील लगी थी वो ईस्ट इंडिया रेलवे और टाटा आयरन और स्टील कंपनी द्वारा प्रोवाइड करी गई थी। इसके ऊपर ब्रिटिश ब्रेंट लाइट व्हीकल मशीन गन लगी थी, और इसमें जो इंजन था वो फोर्ड का V8 लगा हुआ था। इस गाड़ी को टाटा लोकोमोटिव्स द्वारा असेंबल किया जाता था, और जो सबसे कमाल की बात थी वो था इसका नाम, जो कि था टाटा नगर। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है किसी गाड़ी के नाम के पीछे नगर लगना, लेकिन ये शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस गाड़ी का जो नाम था ना, जो एक्चुअल नेम था, वो काफी मुश्किल था, इसीलिए लोग इसको टाटा नगर ही बुला दिया करते थे, क्योंकि ये टाटा नगर में बनती थी। खैर, ये तो रही टाटा की उस आर्मर्ड कार की बात जो ब्रिटिश राज में बनाने चालू करी गई थी। लेकिन उस पीरियड के बाद देखें तो टाटा ने कई अलग अलग तरीके के ट्रक्स आर्मी को प्रोवाइड करे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इनमें से कोई भी गाड़ी फुल फ्लेज्ड आर्मर्ड व्हीकल नहीं थी। लेकिन जो टाटा की फुल फ्लेज्ड आर्मर्ड व्हीकल्स थे ना, वो बहुत ही बाद में आए, जैसे कि 2009 में, जब उनको लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर का अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। और फिर 2010 में टाटा को माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल बनाने का ऑर्डर मिला, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी को 4x4, 6x6 एंड 8x8 कॉम्बैट सपोर्ट व्हीकल फॉर लो लेवल क्विक रिएक्शन मिसाइल सिस्टम्स भी दिए। और ऐसे ही टाटा को 2015 में इंडियन आर्मी से हाई मोबिलिटी 6x6 व्हीकल्स का ऑर्डर मिला, जिसके अंदर उन्होंने 619 यूनिट्स आर्मी को डिलीवर करी। और जो सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑर्डर है, जिसके बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और आपको पता भी होगा, वो है टाटा स्टॉर्म GS800 का, जिसके अंदर टाटा ने सफारी स्टॉर्म की 3200 यूनिट्स आर्मी को डिलीवर करी थी। लेकिन ये जो टाटा मोटर्स का आर्मी बिजनेस था ना, ये सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक कर रहे थे। जैसे कि 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा मोटर्स ने अपने डिफेंस एंड एक्सपोर्ट बिजनेस को 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू बताया था, जो कि एक बड़ा नंबर है। उनका डिफेंस एक्सपोर्ट बिजनेस काफी ज्यादा मैच्योर है, और काफी बड़े बड़े मिशन में उनकी गाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टाटा अपने डिफेंस व्हीकल्स को एशियान, सार्क और अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बेचते हैं। टाटा ने यूनाइटेड नेशंस के माली में मिशन को सपोर्ट करने के लिए 520 डिफेंस व्हीकल्स भेजे थे। इसके अलावा 2012 में टाटा को जीनोन पिकअप ट्रक्स का भी ऑर्डर मिला था US आर्मी से, ताकि वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट कर सकें, और ये एक बड़ा ऑर्डर था। और सिर्फ अमेरिकन आर्मी ही नहीं, म्यांमार की आर्मी भी इनके जीनोन पिकअप्स को काफी बार ऑर्डर कर चुकी है। अब तक ये जितनी भी टाटा की आर्मर्ड गाड़ियां बन रही थी ना, ये सारा का सारा बिजनेस टाटा मोटर्स के अंडर था। लेकिन 2021 में टाटा मोटर्स ने अपने इस डिफेंस बिजनेस को टाटा ग्रुप की एक दूसरी कंपनी TASL को बेच दिया था, यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को, जो कि 2007 में एस्टेब्लिश करी गई थी, और कई सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर वो काम करते थे, जैसे कि हेलीकॉप्टर के कैबिन्स वगैरह बनाना। अब इतनी टाटा डिफेंस व्हीकल्स की हिस्ट्री समझने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाटा की इंडियन आर्मी से दोस्ती काफी ज्यादा पुरानी है, और उनकी डिफेंस व्हीकल्स के अंदर भी एक्सपर्टीज काफी ज्यादा अच्छी है। और मेरा मानना यह है कि इन्हीं सारी चीजों की वजह से इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वो कॉन्ट्रैक्ट मिल पाया, जिसके चलते उन्होंने QRFV को डेवलप किया। अब हम जब ये सब कुछ समझ चुके हैं, तो अब हम समझते हैं इस गाड़ी के बारे में डिटेल के अंदर।
ये जो QRFE है ना, ये एक इन्फेंट्री कैरियर है, और जो इन्फेंट्री होती है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कि ग्राउंड कॉम्बैट में लड़ते हैं क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दुश्मन के साथ। यानी कि ये जो QRFE है, इसका काम ऐसे ही सोल्जर्स को कॉम्बैट जोन में पहुंचाने का है। और ऐसे ही इन्फेंट्री व्हीकल्स कई और भी देशों के पास हैं, जैसे कि फ्रांस के पास है नेक्स्टर आर्विस, US के पास है ऑशकॉश MATV, साउथ अफ्रीका के पास है RG-31 न्याला, और ऑस्ट्रेलिया के पास है बुश मास्टर प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो हमारा QRFE है ना, ये सबसे बौकाल मशीन है, क्योंकि टाटा का ये जो QRFE है ना, ये हैवीएस्ट है अपनी कैटेगरी के अंदर, और इसका वेट है 14 टन। ये गाड़ी खुद तो भारी है ही, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा पेलोड भी कैरी कर सकती है, यानी कि 2 टन तक का। इस गाड़ी के अंदर 14 सोल्जर्स तक के लिए सीटिंग कैपेसिटी है, और जैसे इसके नाम में क्विक है, वैसे ही ये गाड़ी खुद भी काफ़ी ज़्यादा क्विक है, क्योंकि इसके अंदर एक 240 हॉर्स पावर का इंजन मिलता है जो कि 6 गियर्स के साथ मेटेड है, और ये इंजन इस 14 टन के आर्मर्ड मैमथ को 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंचा सकता है। अब ये भले ही आपको एक नॉर्मल कार के हिसाब से काफ़ी कम लग रहा हो, लेकिन ये इतनी भारी गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ठीक है। अब ये गाड़ी तेज़ तो चलती ही है, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ किसी भी तरीके की टेरेन पर चलाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंदर 4x4 कैपेबिलिटी मिलती है, 315 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि लगभग 1 फुट होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको रन फ्लैट टायर मिलते हैं जो किसी भी वजह से फटने पर भी QRFE को कई किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये फटने के बाद भी पूरी तरीके से फ्लैट नहीं होते हैं, इनके अंदर मटेरियल भरा होता है जो कि गाड़ी को डिसबैलेंस होने से और एक तरफ झुकने से बचाता है। अब ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड व्हीकल तो है ही, लेकिन ये एक आर्मी व्हीकल है, और इसीलिए QRFE एक प्रॉपर आर्मर्ड व्हीकल है। इसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट का भी कोई खासा असर नहीं होता है, क्योंकि ये गाड़ी स्टैंडिंग 4 लेवल के ब्लास्ट प्रोटेक्शन के साथ आती है जो कि 21 किलोग्राम के TNT से प्रोटेक्शन दे सकती है। और ऐसे ही ब्लास्ट के बाद रिलीज होने वाली हार्मफुल गैसेस से भी QRFE अपने सैनिकों को बचाती है, क्योंकि इसका जो कैबिन होता है ना, वो एयरटाइट होता है, और जो इसके अंदर हवा आती है ना, वो फिल्टर होने के बाद ही आती है। ब्लास्ट के साथ साथ इसमें ऑलराउंड बैलिस्टिक प्रोटेक्शन भी मिलता है, जिसके अंदर अगर 10 मीटर से 90 डिग्री पर गोली चलाई जाए इसके ऊपर, तो QRFE को कोई भी असर नहीं होता है। और इस बैलिस्टिक स्ट्रेंथ का एक प्राइमरी रीजन ये है कि जो QRFE का आर्मर्ड एरिया है, मतलब कि जहां पर सैनिक बैठते हैं, वो पूरा का पूरा एक सिंगल मेटल शीट से बना हुआ है, यानी कि इसके अंदर कोई भी जॉइंट्स नहीं है। डिफेंस के अलावा QRFE ऑफेंस रोल में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर 10 फायरिंग पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा इसमें रूफ माउंटेड 360 डिग्री रोटेटिंग टॉरेट भी इंस्टॉल किया जा सकता है विद थर्मल विजन कैमरा। और ये गाड़ी इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि इंडियन आर्मी ने इसको कुछ सबसे ज़्यादा खतरनाक पोस्ट पर इस्तेमाल करना भी चालू कर दिया है, जैसे कि सिक्किम में चाइना को जवाब देने के लिए इसका इस्तेमाल चालू हो गया है। अब इसकी डेवलपमेंट में टाटा का रोल तो बहुत ज़्यादा रहा ही है, साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि हमारी गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2020 में DAP यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को लॉन्च किया था, और इस प्रोग्राम का काम था कि हमारी डिफेंस इक्विपमेंट की डिपेंडेंसी बाहर के देशों पर कम करी जा सके, एंड इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंश्योर किया कि IDDM की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि बाय इंडिजीनियस डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर का। और ये जो पॉलिसी है ना, ये सिर्फ आर्मर्ड व्हीकल्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी इंडियन आर्मी सेक्टर तक ही फैल चुकी है। जैसे कि इसी महीने की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी ने 6000 करोड़ का आर्टिलरी गन का जो ऑर्डर है वो एक इंडियन कंपनी को दिया है, जो कि बहुत बड़ा डिसीजन है बाहर की कंट्रीज पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने के लिए। तो यही थी टाटा QRFE की कहानी और उसके आसपास के बिल्डअप्स। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और ये भी जरूर बताइएगा कि आप कौन सी अगली आर्मर्ड गाड़ी के बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा, एक बात और, अगर आपको मेरी ये YouTube की लॉन्ग वीडियोस पसंद आ रही है ना, तो मेरा मानना यह है कि आपको मेरी इंस्टा की रील्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगी। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक रील डाली है जिसमें मैंने बताया कि इंडिया के अंदर वो टॉप 8 कौन सी गाड़ियां हैं जिनकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर ऐसी ही रील्स को आपको देखना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, मेरी इंस्टा की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में अपने विचार जरूर छोड़िए। थैंक यू।